हमने एक बात सुनी होगी, जैसा तन चालेगा तो भिड़ेगा भी, लेकिन ये भिड़ते भिड़ते कई बार नुकसान घड़ा मोटा कर जाए, नुकसान कई बार तो जान तक का भी हो जाए। और ऐसे में जो है लोग बहुत परेशान हुए हैं, एक तो साधन का नुकसान, ऊपर से जान माल का नुकसान। ऐसे में कंफ्यूजन ये है कि बाई चांस जो ये साधन चलता चलता भिड़ जाए, यानी कि जो एक्सीडेंट हो जाए, उस केस में हमने करना क्या चाहिए, पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए और किस तरीके से इसे डिफाइन करा जा सके है, जो एक्सीडेंट हमारा हुआ है उसमें क्लेम किस तरीके से लिया जा सके है। भगवान ना करे किसी एक घर का चिराग जब बुझ जा, चिराग चला जा, तो उसके बदले में जो है इंश्योरेंस कंपनी के कुछ हमने पे करे, ताकि उसके पीछे वाले जो माँ बाप है बुजुर्ग या उसके जो बच्चे हैं वो अपना को गुजर बसर कर सके, तो उसके पीछे तक के कुछ लिया जा सके। इससे घने सवाल है और जो है इन सवालों का जवाब आज हम मांगेंगे। सीनियर एडवोकेट है मेरे साथ में मनोज कुशी। सर स्वागत है सर बिग न्यूज़ पर आपका। धन्यवाद अंकिता। अच्छा सर, पहला सवाल ये, आजकल एक्सीडेंट इतने हुए हैं, अच्छे ज्यादा, मतलब किसी सड़क पर निकल जाओ एक्सीडेंट हुआ है पावे है, तो एक्सीडेंट होने सबसे पहला स्टेप हमारा होना क्या चाहिए? देखो, तो पहला आपका ये जो क्वेश्चन है उसमें ये है, जैसे आपका एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले तो अपने पेशेंट को आप क्या करेंगे, अगर कभी लगता है किसी को कोई इंजर्ड हो गया या कभी भी कोई ऐसा है कि भी दुर्घटना में कभी बार मौत भी हो जाती है, तो सबसे पहले आपने क्या है, जो कि अगर इंजर्ड है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है, उसकी जान की रक्षा करना है। उसके बाद सेम क्या करना है, आपने पुलिस जो लोकल पुलिस होती है वहां पे कंसर्न जो पुलिस होती है उसको इन्फॉर्म करेंगे। अगर प्रॉपर टाइम पे पुलिस को घटना के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, सूचना दे दी जाती है, तो आप वहां पे सेफ हो जाते हैं। सब ऐसा कई केसेस में देखा गया है, मानो चलो दो गाड़ियां भिड़ गई, उसमें से एक का जो है एक पर्सन मर गया और दूसरा जो है जिंदा रह गया, लेकिन क्यों है कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट में चोट लग गया, जिसकी डेथ हुई, उसके खुद के डॉक्यूमेंट्स पूरे को नहीं हुए, तो इस मामले में पार्टी यूं सोच के पीछे हट जाए कि भाई हमारे खुद के डॉक्यूमेंट पूरे को नहीं, हम पुलिस में जाके जानकारी देवांगे तो उल्टे फंसांगे, मामले मिलना तो कि मैं दूर बल्कि उल्टा कि मैं देना पड़ सके, तो ऐसे केस में फिर क्या करा जाए? देखो अंकिता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यहाँ भी वही बात आती है ज्ञान की। यहाँ ज्ञान का अभाव रहता है, हम खुद ही सोचते हैं हम फॉल्टी हैं, अगर फॉल्टी है तो पुलिस के पास जाएंगे तो उल्टी झाड़ हमारे कोई पढ़नी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले आपको है ना इस केस को समझने की जरूरत होती है कि भी जो इंश्योरेंस मिलता है, इंश्योरेंस से जो क्लेम मिलता है वो कौन देता है। ठीक है, जब तक पब्लिक को ये नहीं पता चलेगा कि ये पैसा कहाँ से आता है या क्लेम कहाँ से आता है, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आप क्या करते हो, गाड़ी चलाते हो, आपने एक चीज देखी होगी कि भी गाड़ी के अंदर आपके कागज होते हैं, एक तो RC होती है जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसके अंदर, दूसरी चीज क्या होती है, वो गाड़ी का नंबर होता है कि नंबर के लिए RC बन जाती है कि भी ये गाड़ी इतने टाइम तक वैलिड है, यहां से रजिस्टर्ड है, ये नंबर है, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है। दूसरा जो होता है एक इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो इसलिए होती है, आप भी सोचते हो कि चौक पे जाके कोई पुलिस वाला ना रोक ले, पुलिस वाला रोकेगा तो उसका चलान काट देगी, तो चलान के लिए नहीं है ये सिर्फ क्या चीज है, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करने के लिए नहीं बनी है। इसके अंदर क्या है, इसके लिए एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है, कानून है हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं MV Act, MV Act बोले मोटर व्हीकल एक्ट है ये, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर सारी चीजें दे रखी हैं कि चलान कितने रुपए का कटेगा, आरसी नहीं है तो क्या चीज क्या नुकसान हो सकता है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जिसके लिए स्पेशली एक कोर्ट बना हुआ है, उसके लिए उसकी एक रेमेडी दी हुई है, उनको एक पावर दे रखी है, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें कोई इंजर्ड हो जाता है, किसी के दुर्घटना में कोई चीज इंजरी आ जाती है, चोट लग जाती है, चोटिल हो जाता है, या उसकी किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर पैसा कौन देगा, एक चीज ये चीज है, लोगों को पता ही नहीं होता। उसमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, अभी मैं उसी पे आता हूं, जैसे हम इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, पता है, आदमी सोचता है बहुत मोटी जेब खाली हो जाती है इंश्योरेंस के अंदर, वो इसलिए होता है कि जरूरी नहीं है कि पूरे साल में हमने रिन्यू करवाया, इंश्योरेंस चलाया, लेकिन कोई एक्सीडेंट ना हुआ। एक्सीडेंट होने के लिए पहले तो यह समझने की जरूरत है कि जो वो होते हैं ना इंश्योरेंस पॉलिसी के, दो टाइप होते हैं, पहला जो होता है फुल इंश्योरेंस, आपने सुना होगा, फुल इंश्योरेंस में आपने देखा गाड़ी का कोई डैमेज हो जाता है तो गाड़ी की टूट फूट भी उसमें भरपाई हो जाती है। गाड़ी अगर चोरी होगी, चोरी होने के बाद में भी क्या है कि अगर गाड़ी नहीं मिलती, अनट्रेस हो जाती है, तो भी कंपनी क्या करती है, आपको जितनी गाड़ी की वैल्यू होती है वो पैसा आपको देती है। तीसरा आपने देखा होगा कि भाई कहीं पे ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज होती है जिसके अंदर जीरो डेप्ट भी, सुना होगा कि गाड़ी में कुछ भी हो जाए आप जाके चाबी एजेंसी में पकड़ाओ, फाइल बनेगी, आपकी गाड़ी नू की नू होके आ जाएगी। दूसरी जो पॉलिसी होती है वो होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, सुना होगा, आप सब सोचते हो ना यार थर्ड पार्टी करा दे। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, थर्ड का मतलब जैसे मैं, मेरी गाड़ी है, अगर मैं फुल पार्टी लेके चल रहा हूं
तो कॉम्प्रिहेंसिव जो पॉलिसी मैंने बता दी वो है। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेते हैं, वो के को भाई पुलिस तो बच जावा है, चलान कौन कटेगा, थर्ड पार्टी करा दिया। वो आपकी गाड़ी अगर चोरी हो जाती है, थर्ड पार्टी करा रखी है, कंपनी कुछ कौन दे हुए? अच्छा, अगर आपकी गाड़ी क्या चीज बिड़गी, कितने नुकसान हो गया, फिर भी कुछ कौन दे हुए? तो वो सिर्फ किस चीज की होती है, जो सपोज दैट अगर गाड़ी चला के मैं जा रहा हूँ, ये बंदा है थर्ड पार्टी कोई भी ला ले, आप पे हो ला लो, आपके साथ बिड़गी, तो आपके ऊपर जो भी नुकसान होगा, आपका जान माल का नुकसान जो होगा, तो मेरी मेरा अगर नुकसान ये आता है, मेरा नेग्लिजेंसी है, मेरी कमी है गाड़ी चलाते हुए, मैंने कोई गड़बड़ करी है, तो आपको उसका क्लेम कौन देगी? मेरी गाड़ी की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको देगी। उस खातर भी बड़े इंपॉर्टेंट चीज है कि भी मेरे पास ये नहीं कि मैं कितने भी मैं मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस से कौन था और मैं चलान लग रहा था, आपको नुकसान दे दिया मैंने, तो ये है कि कंपनी क्या कर देगी, आपको तो पैसे दे देगी लेकिन मेरे से रिकवर करेगी, मेरी आरसी कौन थी प्रॉपरली उस टाइम तक, अगर फिर भी क्या चीज है कोई नुकसान हो जाता है तो भी क्या चीज है मेरा फॉल्ट माना जाएगा। तो सबसे पहले मैं सबसे ये अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जब भी आप इस एपिसोड में होते हो तो अपनी आरसी पूरी करके रखें, ठीक है, इंश्योरेंस कंप्लीट रखें, पोल्यूशन कंप्लीट रखें, और तभी जाके क्या चीज है जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज के हैं वो बेनिफिट आप उठा सकते हो, और थर्ड पार्टी को तभी बेनिफिट हो सकता है कल को अगर कोई नुकसान होता है, नहीं तो आपके ऊपर कभी भी पड़ सकता है। ठीक है, तो अब कुल मिला के मैंने बताओ कि क्लेम किस किस तरीके के मिल सके हैं वो तो आपने बता दिया, अब इसका प्रोसेसर कह रहे नड़ा है, मान के चलो कि भाई खुदा ने खास तो कोई नुकसान हो गया, ये हमने एक उसका तो अप्लाई करना है, तो प्रोसेसर क्या होगा उसका? देखो क्या चीज़ होता है, सपोज दैट यहाँ पे मैं दो चीज बताऊंगा आपको, पहले तो ये है कि भाई आदमी जैसे सपोज कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी वो चला रहा है और उससे कोई ऑफेंस मेड आउट हो जाता है, अपराध हो गया, मतलब मेरा व्हीकल ऑफेंडिंग व्हीकल बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? ऑफेंडिंग, जिसने ऑफेंस मेड आउट कराया है, उस गाड़ी से अगर किसी थर्ड पर्सन से कोई इंजरी हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, अगर इंजरी हो जाती है तो इंजर्ड जो पर्सन होता है, जितने भी बिल होते हैं, आपके बिल जितने लगे, अटेंडेंट का जो चार्जेस है, हॉस्पिटल का चार्जेस है, दवाइयां का जो चार्जेस है, और डिसेबिलिटी कि भी वो कितने परसेंट डिसेबल है, जैसे आपका हाथ काम करना बंद कर दे तो वो 100% हो गया, कई बार थोड़ा काम करना 50% 30%, वो क्या होता है मेडिकल एक सर्टिफिकेट बनता है कि कितने परसेंट इसका डिसेबिलिटी है, तो पर डिसेबिलिटी परसेंट के 2,000 रुपए पर डिसेबिलिटी के हिसाब से कौन देती है, इंश्योरेंस कंपनी उस बंदे को देती है। ये तो रहता है किसका, जब वो इंजर्ड होता है वो कौन ले सकता है, जो इंजर्ड है वो भी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि भी खुदा ना खास्ता आप बड़ी बात है, वो एक्सपायर हो जाता है या डेथ होगी, डेथ के केस में हम क्या करेंगे, किसको इंश्योरेंस क्लेम मिले? देखो भाई, देखो आदमी जो होता है ना घर से चला जाता है, उसकी तो भरपाई हो नहीं सकती, लेकिन क्या चीज है कि भी उसकी पैसे की भरपाई, आदमी की भरपाई नहीं होती, लेकिन पैसे से उसकी फैमिली का कहीं ना कहीं गुजारा बख्श, उसके बच्चों का, उसके परिवार का, उससे वो किया जा सकता है। तो उसके जो भी लीगल हायर्स होते हैं, जैसे कोई एक्सपायर हुआ, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसकी मदर है, फादर है, अनमैरिड सिस्टर है, और 18 साल तक छोरा अगर छोटा भाई है, तो वो सारे क्या है, उनको सबको पार्टी बनाया जाएगा, और पार्टी के बेसिस पे वो क्या होगा, एक कोर्ट के अंदर एक केस फाइल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे उसमें दो सेक्शन हैं, आपको बता दूं, 163A एमवी एक्ट के तहत कर सकते हैं, और एक दूसरा सेक्शन है 166 एमवी एक्ट के तहत में, एक एप्लीकेशन जो पिटीशन बोलते हैं इसे, एक दरखास्त जैसी होती है वो लगती है, पिटीशन फाइल होगी एमए सिटी क्लेम ट्रिब्यूनल जो होता है ना, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एक बनी हुई है, कोर्ट के अंदर आप फाइल करेंगे और सारी चीजें मेंशन करेंगे। तो इससे पहले अपने को कुछ प्रिकॉशन रखने होते हैं, जैसे अभी आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि जैसे एक्सीडेंट हुआ आपने क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाएंगे आप या पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस एफआईआर काटेगी। आपको व्हीकल का नंबर पता होना चाहिए, आपकी जो गाड़ी का इंश्योरेंस है उसकी आप पार्टी बनाएंगे, उसका जो ड्राइवर था जिसने एक्सीडेंट किया है, ऑफेंडिंग जो ड्राइवर था उसका आपने पार्टी बनाना है, और जो गाड़ी का मेन ओनर है उसको पार्टी बनाएंगे और इंश्योरेंस पार्टी, इस हिसाब से डाल के। इसमें एक छोटा सा सवाल और ऐड करूंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक्सीडेंट होने के बाद जो है डेड बॉडी सड़क पर पाई जावे है, वो इंजर्ड या फिर बेहोशी की हालत में, अमृत हालत में जो है जिसके भी चोट लगी है वो उड़े पाया जावे है, ना तो उसने निबेरा हुए कि कौन उसने मार के गया है, किसके गले उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो उसकी मेमोरी में वो चीज हुआ है, पुलिस ने भी बहुत बाद में गिरा पटा है, तो ऐसे केस में क्लेम मिलना संभव है? देखो अंकिता, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे क्या लावारिस
अवस्था में क्या चीज है, कोई बंदा मार के चला जाता उसको RSA बोलते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट। उसमें बेसिक क्या होता था, पहले क्या चीज थी, इतनी फैसिलिटी नहीं थी भाई हमारे पास में, कोई भी मार के चला गया और पता ही नहीं होता था कौन मार गया। लेकिन आज का दिन है ना, आप देखोगे जगह जगह पे आपने CCTV कैमराज लगे होते हैं, आपने देखा होगा हाईवे के ऊपर क्या है, टोल भी लगा होता है, टोल के ऊपर क्या चीज, CCTV कैमराज भी इंस्टॉल होते हैं। जब जाएगा तो उसका टोल का नंबर भी कटता है कि इस गाड़ी यहां से गुजरी है, कहीं ना कहीं गाड़ी अगर एक्सीडेंट करके जाती है तो कुछ ना कुछ उसके निशानियां पड़ जाती हैं, कई बार प्लेटें पड़ जाती है, कई बार उसके बम्पर पड़ जाता है, कई बार शीशे पड़ जाते हैं। तो एटलीस्ट हमारे को ये नॉलेज हो जाती है कौन सी गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है, एक चीज। दूसरी चीज क्या चीज है कि सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से या सराउंडिंग एरिया में कोई बंदा काम कर रहा होता है उससे हम पूछ के कौन सी गाड़ी थी, तब जाके हम उसको सर्च आउट कर सकते हैं। और हम इस टाइप के केसेस के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली पुलिस करती है, FIR करती है, तब जाके उससे हम क्लेम ले सकते हैं। कोई ऐसा कोई अनट्रेस वाली बात ही, जहां ट्रेस हो जाता है उसका तो कुछ कर नहीं सकते, अदरवाइज आजकल बड़ी अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो इनका अवेल करके हम क्लेम को डेफिनेटली ले सकते हैं। मतलब ट्रेस भी कर सका और क्लेम भी ले सका। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्लेम कितना ले सका, यो भी बड़ा सवाल है। कितने तो मैंने देखे 10-10 करोड़ के भी क्लेम मिल जाए, हर कड़े बेचारे लोगों ने 2-2, 4-4 लाख के क्लेम पे लोग रह जाए, 4 लाख में तो किसी का घर नहीं चलता। तो यो 10 करोड़ और यो 4 लाख का क्या फंडा रहेगा? अंकिता मैं एक चीज बताता हूँ, आप ये देखोगे आज के दिन है ना, हमारी जो सोसाइटी है ना वो 3 पार्ट में भी डिवाइडेड है। एक तो अपर क्लास है बिल्कुल, उसकी करोड़ों की इनकम है, उनके लग्जरी देखो गाड़ियां बड़ी अच्छी अच्छी हैं, बंगले हैं, बहुत सारी चीजें। दूसरा मिडिल फैमिलीज होती है बेचारे जिनका एंड टू माउथ होते हैं, और तीसरे बिल्कुल लेबर क्लास होते हैं जिनकी पोजिशन ही नहीं होती। ऐसे ही क्या इनकम के हिसाब से उनका स्टेटस होता है, और स्टेटस के हिसाब से उसकी फैमिली सर्वाइव करती है। अच्छे फैमिलीज के पता नहीं करोड़ों रुपए लेके बच्चा कहाँ विदेश में ही पढ़ने जाता है, ऐसे मिडिल फैमिली का ठीक से स्कूल में वो करता है, और छोटे स्कूल में अगर देखो छोटे जिनके बेचारों की पोजीशन नहीं है, नीडी है, गरीब है, तो वो क्या है सरकारी स्कूल में बालक पढ़ रहे हैं। तो उन्हीं चीज को देखते हुए जो क्लेम देने का जो प्रोसीजर बनाया गया है ना, उसका एक फार्मूला सेट कर दिया गया है। उसमें ये देखा जाता है जो बंदा एक्सपायर हुआ है, अगर किसी दुर्घटना में, मोटर दुर्घटना में वो एक्सपायर हुआ है, तो वो कितना कमाता था, उसका कमाई का जरिया कितना था, अगर वो कमाई के हिसाब से ही क्या चीजें स्लेब बनी हुई हैं, उसके हिसाब से ही उसकी जो क्लेम की राशि है वो डिसाइड होती है। ठीक है, ज्यादा कमाता था, एज भी मैटर करती है इसमें। क्या चीज, दो चीजें हैं, एक तो क्या कमाई, दूसरा एज। अगर एज क्या चीज है हमारी ज्यादा, जैसे छोटी एज है, छोटी उसकी एक स्लेब बनी हुई है कि उसका मल्टीप्लायर बोलते हैं, जैसे जैसे हमारी है ना एज बढ़ती जाती है ना, क्लेम कम मिलेगा, क्योंकि उसकी ये देखा था लाइफ 60 साल की है, 70 साल की है, अगर उसने 40-50 जी ली है तो कम क्लेम मिलेगा। जो यंग था, अच्छा कमाता था, उसको क्लेम ज्यादा मिलेगा। एक सेट फॉर्मेट है, फार्मूलाज है, उसके अंदर हम एज को, इनकम को और मल्टीप्लायर को एड करेंगे, उस हिसाब से क्या चीज है क्लेम मिलता है। तो इसलिए जो 10 करोड़ वाला है ना, 10 करोड़ वाले की इनकम जो होगी ना मंथली, वो ज्यादा होगी, उतनी होगी। हाँ, और ऐसे उसकी एज है। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वही चीज क्या करती हैं, क्लेम दिलाने में कितना मिल रहा है वो हेल्प करती है हमारी। क्या कोई ऐसी गलती भी है जो लोग अक्सर क्लेम के खतरे अप्लाई कर रहे हैं, भाई कोई इसी मिस्टेक आप बताना जो जिससे बचना चाहिए लोगों ने, प्रिकॉशन हम जिसने कैसे कहा? हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले ये चीज है कि पहला तो नॉलेज लेना, आप अपना खुद का डॉक्टर ना बने, एडवोकेट से सलाह लें कि किस हिसाब से क्या होता है सर, खुद ना केस फाइल करके बैठ जाए, एडवोकेट की सलाह के साथ करें। दूसरा क्या चीज है, एडवोकेट भी कौन, एक्सपर्ट, जो इस फील्ड का एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट हो। मैं बार बार बोलता हूँ आपकी हर वीडियो में, मेरा यही रहता है कि भाई आप जो डॉक्टर, जिस स्पोज है डॉक्टर होता है ना, कि भी अगर नाक का डॉक्टर है तो आप है ना गले वाले डॉक्टर जो है ना, अलग डॉक्टर गले का है, नाक का अलग है, ऐसे डॉक्टर ने दिल दिखा, हाँ ओढ़ना बैठ जाना, ऐसे एडवोकेट जो होते हैं ना, जिसको क्लेम का नॉलेज है, उससे आप जाएं और अच्छे तरीके से उससे कंसल्ट करें, एक चीज। दूसरी चीज क्या चीज है, कोई भी ऑफेंसेस मेड आउट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसी टाइम आप क्या चीज है पुलिस के अंदर अपनी FIR कटाएं। FIR में गाड़ी का अगर आपको नंबर पता है, ड्राइवर का पता है, तो वो देना ना भूलें। अगर आपने गाड़ी का नंबर दे दिया है तो इट मीन्स आप सेफ हो गए हो, ड्राइवर का बता दिया, उलिया भी बता दिया, तब भी आप सेफ हो। आपने अगले की, दूसरे पार्टी की गलती होनी चाहिए, यानी कि खुद की गलती है, और क्या चीज है आपने ये बताना है कि दूसरी पार्टी की क्या गलती रही है जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट, अगर कहीं किसी की डेथ हो जाती है तो वहां आप पोस्टमार्टम जरूर कराएं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसको PMR बोलते हैं वही लेके आएंगे, तभी जाके ये चीज हो पाएगा कि भी ये जो चोटों की वजह से इसकी डेथ हुई है, तो कॉज ऑफ डेथ आना जरूरी होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको देखते हुए अगर हम चाहेंगे तभी जाके हम पार्टी जो है पब्लिक की जो हेल्प हो सकती है क्लेम के अंदर वो हो सकती है।
इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, इतने गजब के सवाल और इतने गजब के जवाब जो है उनके ऊपर तहना ने दिए, क्योंकि भाई ये जो है ना सवाल ये मेरे नहीं थे बल्कि मेरे बहुत सारे दर्शकों के थे। लगातार पिछले काफी टाइम से हम वीडियो बनाने लग रहे हैं, तो एक एक्सीडेंटल क्लेम के ऊपर भी जो है बहुत सारे दर्शक लगातार कहने लग रहे थे कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जा, और जैसे सवाल आपने भेजे थे उनका जवाब जो है मैंने आप मांगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने खातिर, स्पेशली मेरे दर्शकों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो भाई लगातार सिलसिला न्यू ही जारी रहेगा, न्यू ही लगातार जो है थरे सवाल आगे दर्दे रहूंगे पूछते रहूंगे, जो जवाब होंगे वो तरते दिखाते रहूंगे। बस जुड़े रहिए हो सिटी बैंक न्यूज सिटी। राम राम।